लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जमा फरमाया। दीन की बात, अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र, ये बड़ा मुबारक अमल है जिसका बड़ा अजर व सवाब है। और अल्लाह तबारक व ताला इन बंदों पर रश्क फरमाते हैं। जो बंदे अल्लाह का जिक्र करने के लिए जमा होते हैं, अल्लाह की याद में जमा होते हैं, और अल्लाह ताला फरिश्तों के सामने उनका तज़करा फरमाते हैं कि देखो मेरे बंदे मेरी याद के लिए जमा हुए हैं, तो इस एतबार से हम ये हमारा बैठना काबिले रश्क है, ये हमारा जाया नहीं जाएगा इंशाअल्लाह ताला, बल्कि ये दुनिया और आखिरत में हमारे लिए बाइस खैर होगा। मैंने आया आपके सामने आयत तिलावत की, उसमें अल्लाह तबारक व ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को खिताब फरमाते हैं और इरशाद फरमाते हैं, या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का अहद मिन निसा, ए नबी की बीवियों, नबी की घरवालियों, नबी की बेटियों और नबी की फूफियों बहनों, या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का अहद मिन निसा, नबी की अजवाज से खुसूसन खिताब है कि तुम आम औरतों की तरह से नहीं हो, इन तकैतुन्ना, अगर तुम्हारे अंदर तक्वा पैदा हो जाए तो तुम बहुत ही आला दर्जे की औरत हो, फला तखदअना बिल कौल, तो हम तुमको नसीहत कर रहे हैं कि तुमको अल्लाह तबारक व ताला ने जो नबी की निस्बत दी है, नबी के घर में होने का शरफ बख्शा है, तो इसका तुम लोग ख्याल करो, फला तखदअना बिल कौल, और तुम बात करने में लोच और नरम लहजा इख्तियार ना करो, फयतमअल्लज़ी फी क़ल्बिही मरद, वरना तो क्या होगा कि जिसके दिल में रोग है वो गलत उम्मीद करने लगेगा। वक़ुलना क़ौलन मअरूफ़ा, और कोई बुरी बात भी ना निकालो, अच्छी बात कहो लेकिन नर्म लहजे से ना बोलो किसी पराए आदमी से, किसी अजनबी आदमी से, वरना तो उसके दिल में लालच पैदा हो जाएगी। और तुम कुलना कौलन मारूफा, नेक बात कहो, घर पर नहीं है बाद में आइएगा। तो कितनी अहम बात अल्लाह तबारक व ताला ने अदब की सिखाई है, नबी के घर की औरत है, लेकिन अल्लाह ताला फरमा रहा है कि आदमी तो हर तरह के होते हैं, तुम्हें अपनी इज्जत और नामूस का ख्याल करना चाहिए। वकरना फी बुयूतिकुन्ना, और आगे अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया कि अपने घरों में अमन व सुकून और वक़ार के साथ, संजीदगी और मतानत के साथ अपने घरों में रहो, करना फी बुयूतिकुन्ना, यानी बाजारों की जीनत ना बनो तुम अपने घरों को अपने लिए गनीमत समझो, तुम्हारा वक़ार है, तुम्हारी इज्जत है, वो पामाल नहीं होना चाहिए, नबी की निस्बत बदनाम नहीं होना चाहिए। तो ये नबी की औरतों से खिताब है, और कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व ताला ने उसको हमेशा के लिए बाकी रखा ताकि आम औरतें से सबक हासिल करें कि नबी की औरतों से ये कहा जा रहा है, तो इसमें हमारे लिए इबरत है, उनको नमूना और आइडियल बनाकर उनको ये खिताब किया जा रहा है कि सब औरतें सुन लें। तो
وقرن فی بیوتکن، اور اپنے گھروں میں سنجیدگی کے ساتھ رہو، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور جاہلیت کے طریقے سے بناؤ سنگار کر کے بازار میں نہ نکلو، میلے ٹھیلوں میں نہ جاؤ، بازاروں کی زینت نہ بنو،